प्यारी बहनों, नई माँ के लिए स्तनपान कराना आनंददायक अनुभव होता है। आपके नन्हे मुन्ने को आवश्यक पोषण प्रदान करने के साथ ही यह आपको व्यक्तिगत फायदे जैसे हर बार 500 कैलोरी घटाकर आपको स्वस्थ रखना, अच्छे हार्मोन छोड़ना, कैंसर के जोखिम और साथ ही टाइप 2 डायबिटीज को कम करना। गेस्टेशनल डायबिटीज तेजी से आम हो रहा है। यहाँ तक कि जिन महिलाओं का जीवन में कभी भी उच्च ब्लड शुगर लेवल नहीं रहा, उनमें गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा विकसित हो रहा है। अप्रबंधित गेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था के बाद टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या यह इंसुलिन का विरोध करता है, जिसका अर्थ है कि शुगर लेवल बढ़ता है और यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे हृदय रोग, किडनी संबंधी बीमारियाँ और गंभीर स्थिति में अंग छेदन भी हो सकता है। स्तनपान कराने वाली माताओं पर किए गए अध्ययन ने दर्शाया है कि स्तनपान इंसुलिन के प्रति उनके शरीर की प्रतिक्रिया को बदलता है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि तेजी से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना। इस अध्ययन में विभिन्न जाति की पृष्ठभूमि वाली 1000 माताओं पर अध्ययन किया गया और गर्भावस्था के 2 साल बाद तक उनका शुगर लेवल जांचा गया और यह निर्धारित किया गया कि जो महिलाएं विशेष रूप से स्तनपान कराती है उनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की आधी संभावना थी। आखिरकार उनमें टाइप 2 डायबिटीज विकसित हो गया। स्तनपान कराने वाली कई माताओं जिन्हें पहले से ही डायबिटीज था, हालांकि अगर आपको डायबिटीज है तो भी स्तनपान कराना सुरक्षित है। उन्होंने पाया कि उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखने के लिए इंसुलिन की कम मात्रा की जरूरत है। तो यह एक अन्य उदाहरण था कि स्तनपान और मधुमेह कितने बारीकी से संबंधित है। डायबिटीज का खतरा इस बात पर भी निर्भर करता है कि माँ कितने लंबे समय तक स्तनपान कराती है। 2 महीने के अंतराल तक स्तनपान कराने वाली माताओं को डायबिटीज होने की संभावना 50% कम होती है और 5 महीने तक स्तनपान कराने वाली माताएं डायबिटीज से बचकर आगे निकल सकती है। यह स्तनपान के दौरान घटने वाले वजन की मात्रा से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि मोटापा डायबिटीज होने का मुख्य कारण है। लेकिन हर महिला अनोखी है और हो सकता है कुछ अन्य स्थितियां हों जिसे डायबिटीज हो सकता है, बेशक वह उचित प्रकार से स्तनपान कराती हो। अगर आप उनमें से हैं जिनमें गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज का विकास हुआ है, तो यह समझना आवश्यक है कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ आप आसानी से संभाल सकते हैं और आप खुशहाल और स्वस्थ गर्भावस्था पा सकते हैं और शिशु को जन्म देने के बाद भी स्वस्थ रह सकते हैं। अपने डॉक्टर से परामर्श लें और अपनी गर्भावस्था को आसानी से पार करने के लिए अपने प्रियजनों से आवश्यक मदद लेने से ना हिचकिचाएं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं या संतुष्ट हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और अपनी सभी समस्याओं को मुझसे साझा करेंगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार बहनों, जय हिंद।